हमको विश्लेषण करना चाहिए आज के परिस्थितियों में, क्योंकि राम स्वरूप वर्मा जी जो है वो उनकी राजनीति और उनका विचार वो अम्बेडकर बात के बहुत करीब आता है। और अगर हमको उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को और सामाजिक परिस्थितियों को देखना है तो ये भी देखना पड़ेगा, इसका एक विश्लेषण करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी आंदोलन था और इन्होंने मंगलदेव विशारद जी का नाम बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई लैंड के ऊपर काम करना चाहता है, भूमि के ऊपर, तो मंगलदेव विशारद जी की अध्यक्षता में एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक भूमि सुधार कमेटी बनी थी और उसकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, किन मठों ने, कैसी स्थिति है। और जब से वो समिति बनी तब से वो रिपोर्ट भी मतलब अंदर बक्से में बंद है और किसी भी मुख्यमंत्री ने, चाहे वो सामाजिक न्याय वाले हो, चाहे बदलाव वाले हो, चाहे हिंदुत्व वाले हो, कोई हो, उसको खुलवाने की कोशिश आज तक नहीं। तो ये बात जब मंगलदेव विशारद जी, वो भी उस समय जब लोहिया जी थे और उनके साथ में घटना घटती है छुआछूत की, तो ये दिखाता है कि समाजवादियों की भी वैसी जाति होती जैसे मार्क्सवादियों की थी है। और जाति के प्रश्न पर समाजवादियों ने भी नहीं छोड़ा, हालांकि बड़े बड़े अभी आज तो क्योंकि हम बहुजन की बात कर रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन से बात नहीं करते, लेकिन हमें बात करनी चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर के, हमको बात करना चाहिए कि बात इसलिए जरूरी है कि राम स्वरूप वर्मा जैसा आदमी, मतलब मैं जब जो समाजवाद की बात आती है तो किसका नाम हम सबसे पहले लेते हैं। मैंने एक आलेख लिखा 2-3 साल पहले, मेरे को किसी ने कहा कि समाजवाद पे लिखना चाहिए, तो मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फाउंडर ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होना चाहिए, लैंड का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, ये जो सारे आपके लिए काम इतने बड़े बड़े करके गए हैं, और एक आइडिया भी दिया, खाली स्टेट की क्रिटिक नहीं की बल्कि अपना ऑल्टरनेटिव भी दिया, ऑल्टरनेटिव दिया है। और अगर हम ये नहीं बोले कि वो समाजवादी नहीं थे, उनके बल्कि बातचीत भी चल रही थी लोहिया जी से लास्ट के स्टेज, तो समाजवादियों ने जो है उनका जो सांस्कृतिक समाजवाद था उसको क्यों स्वीकार नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक विकल्प दे दिया था ना 1956 में, अक्टूबर 1956 में उन्होंने देश को एक विकल्प दिया कि भाई देखिए भारत के अंदर जब तक सांस्कृतिक क्रांति नहीं आएगी यहाँ बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन भैया जी को जो है राम और कृष्ण में भारत के महान दिखाई देते थे कि राम और कृष्ण भारत के नायक, ये लोहिया जी ने लिखा, इसको आज भी संघ परिवार बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, संघी समाजवादी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। तो 1956 से जब ऐसी बात आती है तो वहां से लेके आज तक ये चीज समझ में नहीं आया कि हमारे देश के अंदर जो आज बदलाव आना वो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होना। ब्राह्मणवाद को हम कोसते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट बन गए उनको मनुस्मृति जलाने की जरूरत नहीं है, मनुस्मृति जलाने की जरूरत उनको पड़ रही जो हिंदू है अभी बने। और यही संकट है हमारे पास में कि हम वहां से बाहर भी निकलना चाहते हैं, वहां अंदर भी रहना चाहते हैं और इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं। क्योंकि 1956 के बाद जो था बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा एक नया रास्ता दिखाया कि मेरा रास्ता क्या होगा, तुम्हारा को कूप पंडूप जो रहेगा उस धारा में तो फंसा रहे, लेकिन हमको जो नवयान है नया रास्ता उस पर चलना। इतने बड़े समाजवादी हमारे राम स्वरूप वर्मा जी थे। और वाकई में जो है जब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को प्रतिबंधित किया जा रहा था तो उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों ने आंदोलन किया और कहा गया कि एक अम्बेडकर स्मारक बना हुआ है तो हम भैया स्मारक भी बनाएंगे, और इसे ऐसा बनाया गया जैसे वो एक दूसरे के बड़े दुश्मन रहे हों। वो दुश्मन थे नहीं, वो बहुत अंत तक डॉक्टर अम्बेडकर के जो अंतिम दिन थे उसमें उनके बहुत बड़ी आपस में वार्तालाप चल रहा था जिसमें कई जो समाजवादी लोग थे उनके साथ। लेकिन ये भी है कि लोहिया जी का समाजवाद कहीं जो है वो छोटा पड़ जाता, क्योंकि वो भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम धर्म का जो पूरा सिद्धांत है उसका विकल्प नहीं, तो दलित पिछड़ों को किसके पास जाना पड़ेगा, बहुजन समाज को किसका कहाँ से विकल्प मिलेगा। वो विकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया, वो विकल्प ज्योतिबा फुले ने दिया,
वो विकल्प पेबीआर ने भी दिया, बिना विकल्प के हम काम नहीं कर सकते। और इसीलिए अध्यक्ष संघ का भी ये था कि उन्होंने जो है हर स्थान पर ये अंबेडकर साहित्य का प्रचार भी किया। हाँ, ये एक चर्चा करने का विषय हो सकता है और होना भी चाहिए कि आखिर वर्मा साहब भी उसको एक बड़ी कॉल क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकरवाद को लेकर के, कि भाई जो बाबा साहब ने सांस्कृतिक विकल्प दिया उसको हम क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि उसी का तो असल में, जब तक उस सांस्कृतिक विकल्प को हम अपना नहीं नया नहीं बनाएंगे तब तक हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमेशा शिकार रहेंगे। और लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि उस युग के वो ऐसे समाजवादी थे जिनको जानबूझ करके जो है मुख्य धारा से गायब कर दिया, और हमारे सामने कैसी इतना बड़ा आदमी जो है जिसने विचार के तौर पे बिल्कुल साधारण भाषा में, मैं समझता हूँ कि जब अध्यक्ष संघ ने इतना काम किया, जो अगर वहाँ पर लोग हैं, अध्यक्ष संघ का जो सामाजिक आंदोलन था बहुत मजबूत था, वामसेव से पहले का अध्यक्ष संघ, ये समझ लीजिए, और उसने जो ब्राह्मणवादी माइथोलॉजी थी उसके काउंटर उसने खड़े किए, उसको उसने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जो है समाज के सामने रखा, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या होता है कि हमेशा जैसे इस देश की एक समस्या है, वो समस्या है कि हर बड़ा नेता जो है अंत में आके उनकी बिरादरी के लोगों को उतना अपनी बिरादरी के ढांचे में ढाल देते, और वही हुआ। अब ये हो गया कि बाबा साहब को जैसे कोशिश किया गया वैसी रामस्वरूप वर्मा जी को भी कोशिश किया, लेकिन यह त्रासदी उससे बड़ी हो गई कि वर्मा जी की बिरादरी के लोग जो है सरदार पटेल के साथ में पटेल साहब को अपना बनाने लगे। अब पटेल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इतना प्रचलित हो गया, बिहार में जिन पटेल का इन पटेल से कोई मतलब नहीं था, जिन पटेल का इतिहास बाबा साहब ने लिख दिया था कि उन्होंने आरक्षण के खिलाफ कितना बोला, किसान और गरीब के पक्ष में कोई बहुत बड़े खड़े होने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन रामस्वरूप वर्मा को किनारे कर दिया। अब वही कुर्मी बिरादरी रामस्वरूप वर्मा को किनारे कर, हम ये नहीं बोल रहे कि वो एक जाति के विशेष के नेता, लेकिन उन्होंने सारे प्रदेश के अंदर जो भी लोग थे ऐसे, और उनकी बातों में कहीं जाति वो नहीं आता, उनके भाषणों में कहीं नहीं लिखा हुआ इस चीज़ पे। लेकिन एक 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 दर्द भी होता है, समाज के लोग जब बड़े बड़े आते हैं उन्हीं को, जो जब बहुजन समाज की बात आती है उत्तर प्रदेश के अंदर बात आती है, तो रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लेने के लिए लोग नहीं तैयार, क्यों तैयार नहीं होते, क्योंकि ये जाति का जो खेल है इसके कारण से। और ये हमको समझना पड़ेगा आज की परिस्थितियों में, क्योंकि अध्यक्ष संघ को मैं कई बार बोल रहा हूँ कि इसको रिवाइव करने की जरूरत है। इस देश के अंदर बहुत सारे संगठन होने चाहिए और सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले होने चाहिए, ताकि जो आप अगर आज का संघ का हिंदुत्व का एजेंडा देखेंगे तो हिंदुत्व के एजेंडे में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल लेवल पर काम कर रहे हैं, हर एक समुदाय के अंदर घुस गए हैं, उन समुदायों के अंदर घुस के उनके एक नेता पैदा कर रहे हैं, हर एक समुदाय के अंदर एक जातीय नेता पैदा किया जा रहा है, नेताओं की जातियां ढूंढ ढूंढ के उनको निकाली जा रही है। ऐसे वक्त पे अध्यक्ष संघ जैसे संगठन और मजबूत होने चाहिए। आखिर बाबू जगदेव कुशवाहा साहब के साथ जब काम उन्होंने किया, मैं अभी भी इसमें बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार के अंदर जो हमारा जो बहुजन आंदोलन है उसके एजेंडा में जो है भूमि क्यों नहीं, बाबू जगदेव कुशवाहा उसी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद भी हो गए, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ कि भूमि सुधार होने चाहिए, लेकिन हम लोग सत्ता में आने के बाद भी जो है वो एजेंडा में नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है कि वो मतलब नहीं है, या कुछ जातियों का ही उस पर कब्जा है, जबकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सारे लोगों के बीच। तो भूमि का एजेंडा जो है वो दलित बहुजन आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा होना चाहिए। बाबू जगदेव कुशवाहा ने उसके लिए अपनी जान दी, और जो उसके साथ साथ जो ब्राह्मणवाद का विकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसके लिए रामस्वरूप वर्मा जी इतने जीवन पर्यंत लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे, उसको हमको सबसे पहले जनता के सामने लाने की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं लाते हैं तो हमारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं समाज के अंदर, देखिए ये समाज में आप समझ लीजिए कि जो हिंदुत्व की शक्तियां हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो आपके अंतर विरोधों पे जी रही हैं शुरू से लेकर आज तक, पर अंतर विरोधों पे जीने के लिए हमेशा उनका अपना एक एजेंडा है, अपनी आउटरीच को उन्होंने बढ़ाया है। आज भी आप जाके देख लीजिए गांव में,
तो मुशर बस्ती से लेकर के निषाद बस्तियों में उनके लोग तैयार बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हमको यहाँ भी रहना है तो वहाँ भी पहुँचना जरूरी है। और वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो अति पिछड़ा अति दलित का एक सवाल है, वो जमीन का सवाल है, और अगर उस पर हम बात नहीं करेंगे तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों को जब बहुजन समाज की बात आती है दुनिया भर में जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ लोग थे। रामस्वरूप वर्मा जी, मैं बोलता हूँ, पहला व्यक्ति हिंदी हार्टलैंड में हुई यूज द टर्म मानववाद। मानववाद की किसी को समझ नहीं, उन्होंने टर्म क्या, ह्यूमनिज्म का मीनिंग मानववाद, माने ह्यूमनिज्म इज अ फिलोसफी विच रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन बीइंग, इट डजंट बिलीव इन एनी थर्ड पार्टी।